सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस एंड पीजे नर्सिंग हब। गाइज, क्लास में बात करने वाले हैं आरआरबी के लिए जो है अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चल रहे थे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन, उसमें क्लास नंबर 11 रहने वाली। जी हाँ, 11वीं क्लास है अभी, 10 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है, पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, वहाँ जाकर आप जरूर देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज रहने वाली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पर, पूर्ण सिलेबस पर आधारित और न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपन जो है डील करने वाले विद आंसर, तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक इस पूरी क्लास को जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी भी करवा रहे हैं। सभी लोग जितने भी साथी नए हैं वो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है कोई भी भर्ती आती है ऑल इंडिया में, पूरे भारत में कोई भी नर्सिंग की पैरामेडिकल की भर्तियां आती है ना, उनके नोटिफिकेशन से लगा कर आपकी ज्वाइनिंग तक हम साथ देते हैं। लगातार जो भी न्यूज़ होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, आपका पूरा प्रयास करते हैं हमारा कि आपको जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो सारे लोग जो है सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन यानी कि जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, चाहे क्लास हो चाहे कोई और वीडियो, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा जैसे अपलोड होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने अभी तक 10 क्लासेस देख रही है? नहीं देखी है तो जाकर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस पर देख लेना। आज 11वीं क्लास है और आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के, तो आप जो है अच्छे से कह सकते हैं कि पूरी क्लास में टेक के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको क्वेश्चंस जो है सीधे आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भर्ती, जो स्टाफ नर्स की भर्ती है, उसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर एग्ज़ाम कब है? तो बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम लेना गवर्नमेंट की टेंशन है, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है 2019 के बाद में, 5 साल बाद में जो अभी भर्ती आई 2024 में, इस बार चूकना मत, बहुत ज़बरदस्त भर्ती है और इन पदों में जो है बढ़ोतरी भी होने वाली है। जो अभी भर्ती निकली है उनमें प्लस होने वाले हैं, कुछ और पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, जिसकी न्यूज़ भी ऑफिशियल हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसका वीडियो भी आपको जल्द पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी सौगात आप सब लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरआरबी में आ चुकी है। चलिए, तो क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लाइव चैट यानी कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें देते रहना है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी इम्यूनिटी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है 5 प्रकार के होते हैं, आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक से आप याद रखेंगे। पहला रहता है आपके GAMDE, ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, गामदे के नाम से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं गामदे, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। इनमें से जो है सबसे पहले प्राइमरी जो रेस्पॉन्स रहता है वो रहता है IgM का, ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पंचभुजीय स्ट्रक्चर होती है। तो यही पूछा है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्राइमरी इम्यूनिटी। तो पहले सबसे पहले जो यदि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, यही इसका जो है कहने का मतलब है। तो IgM इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ए करेक्ट आंसर जाएगा IgM। IgM जो है ये प्राइमरी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल इम्यूनोग्लोबुलिन रहने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे आज के, और इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जो है हमारे पुराने क्लासेज में अच्छे से पढ़ा रहा है, आगे भी पढ़ाते रहेंगे आपको। एक एक इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी नौजवान पर आपको याद होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन द पेशेंट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कोई भी पेशेंट है उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन यानी कि दिमाग की जो स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया रिलायबल मेथड कौन सा रहता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को देखने के लिए रिलायबल इंडिकेटर कौन सा रहता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी LOC, क्या LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है ये, LOC लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, EEG इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफी, वाइटल साइंस या MRI। तो MRI और वाइटल साइंस सीधे हटा दीजिएगा, EEG और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में से जो है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिलायबल मेथड रहने वाला, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बता दूं कि क्लासेज रेगुलर होगी और आपके एग्जाम तक चलेगी, और एग्जाम में आपके जो है सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा भागीदार होंगे। मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी बताऊंगा, ठीक है। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से MCQs आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी और आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ज़बरदस्त क्लास भी रहने वाली है जिसमें से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर आया, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को नापने के लिए जो या उसको असेस करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर रहता है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ए इज करेक्ट आंसर, क्या रहेगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस इज अ कंडीशन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 प्रकार के जो है सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये 2 प्रकार के जो है आपके सेल डिवीजन रहते हैं, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का जो है क्रोमोसोम होता है उनमें रिडक्शन नहीं होता, और मियोसिस में जो है क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम जो है वो आधे हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। जैसे 46 है, यहाँ पर जो है माइटोसिस होगा तो 46 46 आएंगे डॉटर सेल में भी, ठीक है,
लेकिन यदि यहाँ पर जो है मियोसिस होता है, जैसे कि मियोसिस हुआ, 46 के 23 डॉटर सेल में आ जाएगी, इस प्रकार से जो है 23 23 डॉटर सेल में आने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूछा है कि माइटोसिस क्या है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। माइटोसिस इज ए कंडीशन, सेल ब्रेकडाउन, सेल टूटती नहीं है, विभाजित होती है। सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है, सेल डिवीजन होगा लेकिन क्रोमोसोम में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। सेल डेथ, सेल मरने को जो है माइटोसिस नहीं कहते। सेल डिवीजन विद हाफ क्रोमोसोम, इसको मियोसिस कहते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारी चीज़ें कैसे आपको याद करनी है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विद रैशनल मिलेगा आपको, और ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करना है। आपका इम्पैक्ट, यानी कि आप जो कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितनी क्लास को देखते हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि क्लास कितने टाइम की होगी, और इसके साथ साथ जो है क्लासेस कितनी होगी, मतलब आने वाले टाइम में, और कितनी जल्दी जल्दी हम ले पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है बी जाने वाला। क्या जाने वाला दोस्तों? बी, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ना कि सेल डेथ, ना सेल ब्रेकडाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड फॉर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड फॉर, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको कहते हैं? ये डेंगू की बीमारी आपने सुनी होगी, डेंगू फीवर का जो है मोस्ट कॉमन एक साइन एंड सिम्टम रहता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, वहाँ पर प्लेटलेट डाउन हो गई। ठीक है, प्लेटलेट का जो है डाउन हो गया है काउंट, ठीक है, काउंट हुआ है, ना कि एग्रीगेशन। तो यहाँ पर जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, गलत है। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या? प्लेटलेट जमने की दर जो होती है, थक्का बनता है ना, थ्रोम्बस बनता है ना, वहाँ पर जो है प्लेटलेट एग्रीगेट होती है तभी थ्रोम्बस बन पाता है। लेकिन यहाँ पर जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब ये नहीं होता कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन वीक हो गया। रिड्यूस प्लेटलेट काउंट, बिल्कुल सही है, प्लेटलेट काउंट जो है वो रिड्यूस हो गया। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, ये गलत है, और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट को जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से नहीं जानते। बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा दोस्तों, फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। रिड्यूस प्लेटलेट काउंट, बी इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी, एक्सेप्ट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से जो है कौन से किडनी के फंक्शन, एक नहीं है, तीन है, तीन फंक्शन यहाँ पर किडनी के है लेकिन एक नहीं है, कौन सा नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस, या मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। तो आप सभी को पता होगा कि उत्सर्जन, यानी कि जो आपके एलिमिनेशन का जो तंत्र होता है, जैसे आपके जो है मूत्र वगैरह, उसका जो है हेड कौन होता है? किडनी होती है। ठीक है, किडनी जो है वो आपके वाटर बैलेंस को बनाए रखती है, और एसिड बेस को भी बनाए रखती है, एसिड बैलेंस कितना चाहिए वो भी बनाए रखती है। और एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है? एरिथ्रोपोएटिन, जी हाँ, आरबीसी को बनाने के लिए एक प्रकार के हार्मोन की जरूरत होती है। आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसको एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहते हैं। और आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ऐसे दोस्तों, सारी चीज़ें बता रहे हैं विद रैशनल। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े, और शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो ये एरिथ्रोपोएटिन जो है हार्मोन, ये भी किडनी में ही बनता है, बिल्कुल सही है, और वाटर बैलेंस बनाए रखती है, एसिड बेस जो है बैलेंस जो है वो भी बनाए, लेकिन यूरिया नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? यूरिया का फॉर्मेशन जो है किडनी का काम नहीं है। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी क्या जाएगा दोस्तों? बी जाएगा, बी इज़ करेक्ट आंसर। छाप लेना अपनी कॉपी में, बहुत ज़बरदस्त रहने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, मैंने अभी बताया था कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या जो है पढ़ना है स्टडी मटेरियल के हिसाब से। तो जी हाँ, हमारे अनुभवी और जो है ज़बरदस्त, जिनको एक कह सकते हैं तजुर्बा है, उनके द्वारा और मेरे द्वारा, खुद के द्वारा जो एग्ज़ाम्स अभी मैं देख रहे हैं, हम लगातार आपके साथ हैं 3 साल से यूट्यूब पर। जैसे ही हम प्रत्येक क्वेश्चन, वैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके पेपर हमारे पास पहुंच जाते हैं, हम उसका आंसर की भी आप तक पहुंचाते हैं, प्रत्येक पेपर का एनालिसिस करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन एक्चुअली आते कैसे। ठीक है, उसी आधार पर जो है आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने एग्ज़ाम पैटर्न और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित आरआरबी के लिए हमने पीजे क्वेश्चन बैंक बनाई है। जी हाँ, पीजे क्वेश्चन बैंक, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, वैसे तो पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीधे एग्जाम में छपने लायक है, वो आज जो है 299 रुपीज़ की प्राइस में आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा पीजे मॉडल पेपर, जी हाँ, पीजे मॉडल पेपर जिसमें आपके 900 एमसीक्यूज रहेंगे, 900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि 100 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में रहेंगे, 9 पेपर है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, चाहे माइनर सब्जेक्ट हो चाहे मेजर सब्जेक्ट, सभी के क्वेश्चन आपके जो है देखने को मिले 149 रुपीज़ में। ये एक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, मॉडल पेपर को टेस्ट सीरीज के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन पीजे क्वेश्चन बैंक की पहले खासियत देख लीजिए, इसमें बड़े बड़े सब्जेक्ट तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी और ड्रग्स वाले, यानी कि जो आपके फार्माकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कर रखी, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पीजी क्वेश्चन बैंक से बाहर आएगा इन छोटे सब्जेक्ट में, और बड़े सब्जेक्ट के तो है ही है। ठीक है, यानी कि आप आज ही कर लीजिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आरआरबी की बात करें, ये दोनों तो है ही आरआरबी के, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, 5 पेपर है जिसमें 500 एमसीक्यूज है, जिसमें आपके नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सारे हैं, और 100 रुपीज़ में ये मिल जाएंगे, मतलब ये टोटल 548 रुपये में आपको मिलेंगे, लेकिन हमने जो है डिस्काउंट करके आप सभी लोगों को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए
99 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट देते हुए 449 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। आज ही खरीद लीजिएगा दोस्तों, चूकना मत, ठीक है, कोई मजाक में मत लेना, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, क्योंकि ES वैसे तो हमने ये पूरा जो है सभी एग्ज़ाम्स को कह सकते हैं एनालाइज करके ही बनाया था, लेकिन ESICC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 में से जो है 54 क्वेश्चन हमारे PG क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से आ गए थे। इसके अलावा जो DSSSB का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें से 921 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 2400 में से, ये सारे 2400 क्वेश्चन हैं, इनमें से 921 क्वेश्चन एग्जाम में छप चुके हैं। और इसके अलावा नॉर्थ साइड में भी कल काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप सभी का जो है डाउट होगा कि सर कैसे इनको खरीदना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे खरीदना है, ठीक है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप पर PDF के रूप में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी निकलवाना चाहो निकलवा लेना, नहीं तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कोई भी कॉल नहीं करेगा, कॉल करते ही सीधी टीम ब्लॉक कर देगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से टेलीग्राम यूट्यूब सबसे ब्लॉक हो सकते हो। इसलिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर स्टडी मटेरियल चाहिए, 449 रुपये में आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा MCQs बैच का, ठीक है, मतलब PG क्वेश्चन बैंक 1000 MCQs, 900 मॉडल पेपर के MCQs जिसको टेस्ट सीरीज के रूप में आप ले सकते हैं, और इसके अलावा 500 जो है प्रीवियस ईयर पेपर, 5 प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे कि आपको मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि एक्चुअली पेपर आते कैसे, ठीक है। तो सारे लोग जो है इसको आज ही परचेज कर लेना, चूकना मत, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आप सब लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है, 100 रुपये का डिस्काउंट सीधा मिल रहा है, 449 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से ले लीजिएगा, दो एक 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, जैसे क्लास खत्म होती अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आई होप कि ले लिया होगा, और जिसने भी नहीं लिया पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अभी तक जो है 1200-1300 लोगों ने खरीद लिया है, और हो सकता है कि उन्हीं का नंबर है, क्योंकि ESICC में जिन लोगों ने खरीदा उन सभी के जो है प्रोविजनल सूची में सिलेक्शन हुआ हमारी टीम के, उनको जो है बधाइयाँ, 3-4 लोगों को छोड़ के, ठीक है, उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से पढ़ा नहीं होगा सही से, या फिर बाकी सारे लोगों जो 54 क्वेश्चन अटेंड करके आते हैं ना, 54 सही करके आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये नंबर है, फटाफट से जो है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कोई भी कॉल वगैरह मत करना, टीम आपको हाथों हाथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, तो अपन ने जो है ये 19 ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, इसमें से कौन सा जो है लीवर का फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज या स्टोरेज ऑफ बाइल। तो लीवर का सबसे पहला तो यही है कि बाइल का प्रोडक्शन करना, तो ये तो है डिटॉक्सिफिकेशन, बिल्कुल, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निर्विषीकरण जो होता है वो आपके लीवर में ही होता है, लीवर ही है जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम करती है। ग्लूकोज का स्टोरेज बिल्कुल ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज का स्टोरेज भी लीवर ही करता है, लेकिन स्टोरेज ऑफ बाइल ये जो है लीवर का काम नहीं है, ये आपके रहता है, किसका काम है फटाफट बताइएगा फटाफट से। जी हाँ, स्टोरेज ऑफ बाइल किसका काम है, डी इज करेक्ट आंसर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है, स्टोरेज ऑफ बाइल ये जो है किसका काम है, हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको, पिताशय कहते हैं उसको, पिताशय, अब इंग्लिश में आपको बताना, ठीक है, तो ये किसका काम होता है इंग्लिश में बताइएगा, पिताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल जो है लीवर का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एक 5 स्टार या 7 स्टार लगा दो इसको, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथार्मोन भी कहते हैं जिसको, पैराथार्मोन, जी हाँ, पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथार्मोन के नाम से भी जानते हैं, PHP भी कह सकते हैं। इसमें से जो है कौन सा डायरेक्ट एक्शन नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है किसका, PHP का, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बिल्कुल बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में डालना, ये तो PHP का पहला काम है, ठीक है, बोन से लेकर ब्लड में डालना ये तो है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, बिल्कुल इंटेस्टाइन से भी लेकर ब्लड स्ट्रीम में डाल लेना, ये भी जो है पैराथार्मोन का काम है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, मतलब तीनों काम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मुख्य रूप से पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है इसका काम क्या रहता है, ये जो है जहाँ से भी कैल्शियम मिले उसको उठा के सीधा ब्लड में डाल दो, ठीक है, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में डाल दो, जैसे कि ऑस्टियोमलासिया होने के चांसेस रहते हैं, कैल्शियम की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1-5 डीहाइड्रोक्सी विटामिन, ये गलत है, ठीक है, ये इसका काम नहीं है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर, बाकी सारे जो है सही है इस हिसाब से पैराथार्मोन के, लेकिन ये कोई काम नहीं है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1-5 डीहाइड्रोक्सी विटामिन ये जो इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, IOP, नॉर्मल IOP पूछा गया, ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर एक्चुअली बताइएगा कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता कहाँ है ये बताइएगा। जी हाँ, ये होता है आई से रिलेटेड, ठीक है, आई में जो एक प्रकार का प्रेशर होता है जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो IOP जो है उसके नॉर्मल वैल्यू पूछिए, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि इंक्रीज IOP को क्या कहते हैं, IOP जब बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लूकोमा,
ठीक है, एक होता है, चलिए दो बीमारियां जो कि आंख की आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, एग्जाम में आने लायक होती है, ठीक है। पहला रहता है ग्लूकोमा, क्या रहता है, ग्लूकोमा, और एक होता है कैटरेक्ट, क्या रहता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोमा से। यहाँ पर आईओपी जब बढ़ जाती है 25 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आईओपी इंक्रीज होना ग्लूकोमा कहलाता है। दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा OAG, और एक होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ACG, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। इनमें से भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो एंगल क्लोजर जो होता है सबसे खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है ACG, ठीक है, एंगल क्लोजर। अब कैटरेक्ट क्या है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, आई लेंस, ओपेसिटी यानी कि ओपेक हो जाता है, ओपेसिटी ऑफ द आई लेंस। जो यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्लाइंडनेस का इंडिया में सबसे जो लीडिंग कॉज है वो क्या होता है, ठीक है, इंडिया में ब्लाइंडनेस मतलब अंधता का मुख्य कारण क्या होता है, ब्लाइंडनेस का लीडिंग कोज होता है कैटरेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अंधे होते हैं लोग वो कैटरेक्ट की वजह से होते हैं। इसमें एक सर्जरी होती है, क्रायो सर्जरी के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसमें जो है आपके आईओपी पूछा गया है, नॉर्मल आईओपी क्या रहेगा, तो 8 से 21 या 9 से 22, कई बार ये लिखा आता है, ए इज़ करेक्ट आंसर, 8 से 21 आईओपी नॉर्मल मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार फटाफट से यस या नो आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको क्लासेज मिलती रहेगी ऐसी। और स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने पीछे बता रखा है, तो आप जाकर जरूर देख लेना कि कैसे खरीदना है, कैसे पढ़ाई करनी है, जाकर सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल बी आस्क पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी इवेल्युएटिंग द मूवमेंट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देना, ठीक है। एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आरआरबी में विशेष करके आएंगे आएंगे, ठीक है। 5 स्टार लगा के पढ़ेंगे, और 5 स्टार क्वेश्चन ये जो है इन क्लासेज में, 5 स्टार क्लासेज है, तो 5 स्टार क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे, चाहे स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है अपन इधर उधर की बातें करते हैं और टाइम जो है बहुत कम रहता है, इसलिए जो हमने ये सुना है कि आपको स्क्रीन के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कोई भी एक नर्स है कोई पेशेंट को कहती है, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू, कि यहाँ पर जो है कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, ये उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है, ये हाथ है। तो यहाँ पर जो है दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, जब भी एक्सट्रीमिटीज़ को जो है दूर ले जाने को, मतलब जो है फैलाने को कहती है, शरीर की मिडलाइन, ये जो मिडलाइन है ना, इससे दूर ले जाने को कहे तो उसको कहते हैं एबडक्शन, क्या कहते हैं, एबडक्शन। लेकिन पास लाने को कहे तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है, शरीर की मिडलाइन की तरफ ऐड करते हैं, तो उसको कहते हैं एडक्शन, एडक्शन, क्या कहते हैं, ये जो है इस प्रकार के जब भी कहा जाए। लेकिन यदि इस प्रकार से यदि सिकुड़ता है तो उसको कहते हैं फ्लेक्शन, और जो है एक्सटेंड होता है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन। वो तो इजी है, लेकिन एडक्शन और एब्डक्शन में कई बार जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो शरीर के मिडलाइन के पास की तरफ लाना किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ को, उसको कहते हैं एडक्शन, और कोई भी ऑर्गन को जो है मिडलाइन से दूर की तरफ ले जाना एब्डक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नर्स क्या कह रही है उसको, ठीक है, ये देखिए आप, नर्स कह रही है कि पेशेंट को जो है मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से दूर, मिड लाइन से दूर की ओर ले जाने को जो है प्रयास कर रही है, उसको हाथों को जो है मिड लाइन से दूर की ओर ले जा रही है, तो उसका मतलब ऐड तो नहीं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन तो है ही नहीं, और ऐड भी नहीं कर रही, एबडक्शन देख रही है, ठीक है, पेशेंट का एबडक्शन ठीक है कि नहीं है ये मूवमेंट देख रही है, तो सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई होप कि समझ में आ गया, समझ में आ गया तो सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ एक्जियल स्केल्टन सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन सा अक्षी यानी कि एक्जियल स्केल्टन सिस्टम का पार्ट नहीं है। दो तीन चीज़ें आपको इसमें भी याद रखनी है। स्केल्टल सिस्टम में दो प्रकार का स्केल्टल सिस्टम होता है, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। यहाँ पर जो है एक्सियल में 126 जो है आपके हड्डियाँ, और अपेंडिकुलर में 80 हड्डियाँ होती है, कुल टोटल मिलाकर 206 हड्डियाँ। अब जो है एक्सियल में कौन कौन सी आती है, एक्सियल में जो है एक्सट्रीमिटीज़ को छोड़ के सारी आती है, ठीक है, मतलब हाथ पांव की हड्डियों को छोड़ के जो बीच की लाइन में मिड लाइन की तरफ होती है वो सारी की सारी जो है आपके एक्सियल में आती है, और हाथ पांव की जो हड्डी हैं वो आती है आपके आपके सॉरी अपेंडिकुलर में, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि एक्सियल का कौन सा पार्ट नहीं है, सैक्रम बिल्कुल आता है, मैंडिबल मुंह की हड्डी बिल्कुल आती है, स्टर्नम भी आता है, लेकिन फीमर जो है ये पैर की हड्डी है और ये अपेंडिकुलर में आती है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें तो ईजी थी और ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अपन जो है इस एक्सियल हो चाहे अपेंडिकुलर हो, इस स्केल्टल सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब जैसे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की तरफ अपन बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके मुख जबान पर याद होगी, आपको 206 हड्डियाँ कहाँ से कौन से पार्ट है और कौन कौन सी होती है और कहाँ कितनी हड्डियाँ होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक सेल जो है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी अपार्टस, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की होती है, एक होती है आरिया रफ एंडोकुलम,
जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है स्मूथ, ठीक है, SER। तो ये दोनों आपको याद में रखनी है। RER जो होती है नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये प्रोटीन बनवाती है किससे, राइबोसोम से। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको याद में रखनी है। लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गेनल, सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है कोशिका के अंदर, वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कौन होता है, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो आंसर दीजिएगा, और बताइएगा कि कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को एकदम यस यस आंसर आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्लास। और स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप जो है, मैंने आपको बता दिया है पहले, आप जो है 9694654557 पर जो है 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आज ही स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए, जहाँ पर 2400 MCQs मात्र जो है आपको 449 रुपये मिल जाएंगे। सेफेस्ट मेथड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, MTP से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, यानी 12 वीक से पहले जो है प्रेगनेंसी को खत्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो कौन सा मेथड जो है सेफ रहता है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन बिल्कुल नहीं, डायलेशन एंड DNC बिल्कुल गलत है, लेमिनेरी टेंट से नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन बिल्कुल, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है 12 जो वीक से पहले, ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। जब भी 12 वीक का पूछा जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी है, कोई भी प्रेगनेंट लेडी है, उसको एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है, वो किस कारण होता है, ठीक है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आई मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है एक प्रकार का एनीमिया हो जाता है, क्यों होता है बताइए। अब आप कहोगे कि सर ब्लड कम होता है तभी एनीमिया होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ जो है प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पर जो है RBC जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है, RBC जो है इमेच्योर रहती है, कैसी इमेच्योर, जिसको अपन रॉ RBC कहते हैं, रॉ RBC जो होती है। अब एनीमिया कोई ब्लड की कमी नहीं है, एनीमिया का मतलब होता है एक्चुअली कि जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। और जब भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी वीमेन है, उसमें रॉ RBC ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कच्ची RBC, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मैच्योर नहीं, इमेच्योर RBC बढ़ेगी, जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, इसमें अब हीमोग्लोबिन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन को वो कैरी नहीं कर पाएगी, इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर रहती है, वो फटाफट से जो है बिना ऑक्सीजन के इधर उधर भागती रहती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसी कंडीशन को फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहा गया है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से अपवाद के रूप में इसको हमेशा याद रखना, 7-स्टार क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है एक प्रकार का एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, वेमेन हैड मिडलाइन एपिसिटोमी परफॉर्म्ड एट डिलीवरी, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एपिसिटोमी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। एक वेमेन है जो कि लेबर रूम है, ठीक है, कहाँ पर है, लेबर रूम है, और उसके मिडलाइन एपिसिटोमी की जाती है, ठीक है, मिडलाइन एपिसिटोमी की जाती है, तो ये एपिसिटोमी जो है वो क्यों की जाती है पूछा गया, ठीक है। अलाउ फोर्सेप्स टू द अप्लाइड, यानी कि फोर्सेप्स अप्लाई करने के लिए, अब फोर्सेप्स अप्लाई करने के लिए कभी एपिसिटोमी ने सीजर नहीं लगाते, ठीक है। एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए, ये भी गलत है। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लेसरेशन, ये तो है, ये दोनों भी है, लेकिन प्राइमरी जो है प्राइमरी पर्पज क्या रहेगा इन तीनों में, चारों में से। वैसे ये फोर्सेप्स भी अलग जो है आप अप्लाई आराम से कर पाएंगे, ओपनिंग भी बढ़ेगी, लेसरेशन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे मुख्य और प्राइमरी जो पर्पज रहता है किसका, एपिसियोटोमी या मिडलाइन एपिसियोटोमी का, वो रहता है एलिमिनेट द नीड ऑफ सीजेरियन सेक्शन, ठीक है। सीजेरियन बर्थ जो होता है, सीजेरियन LSCS जो होता है ना, लोअर सीजेरियन, लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन जो होता है LSCS, इसको जो है टर्मिनेट करने के लिए, इसको जो है नीड को जो है एलिमिनेट करने के लिए अपन जो है एपिसियोटोमी करते हैं, ठीक है, मिडलाइन एपिसियोटोमी। तो आई होप कि समझ में आ गया कि LSCS से बचने के लिए एपिसियोटोमी करके जो है अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है उसको कह सकते हैं कि करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्लेम्सिया एंड प्रीक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया को मैंने जो 2-3 क्लास पहले अच्छे से पढ़ा रखा है कि प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है, प्रीक्लेम्सिया में होता है एक तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाती है, एक दूसरा इसमें क्या होता है बताइएगा फटाफट से, वहाँ पर एडिमा होगा, क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है। और इसके साथ जब आपके सीजर भी आने लगे तो उसको एक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में जो डिफ्रेंशिएट करने वाली कड़ी जो रहती है वो रहती है सीजर, यानी कि फिट्स आना शुरू होते हैं, तो अपन उसको एक्लेम्सिया कहते हैं, उससे पहले उसको जो है क्या कहते हैं, प्रीएक्लेम्सिया कहते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो है 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा सीजर। प्रीएक्लेम्सिया में सीजर नहीं आएंगे, आने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही सीजर आएंगे तो अपन उसको एक्लेम्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ PID। PID क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, PID
इसमें से जो है कौन सा सबसे मेन कॉज रहता है, मतलब मुख्य कारण रहता है किसका, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का, एक प्रकार की डिजीज रहती है। तो बताइएगा फटाफट से क्या आंसर जाएगा। एब्रप्सिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये एक प्रकार की जो है इन्फ्लेमेशन है और पीपीएच के कारण होता है। किसके कारण? पीपीएच यानी कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज आपके डिलीवरी के बाद में होने वाला हेमरेज। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होती है उसमें 500 ml ब्लड लॉस होता है और 1000 ml जो है आपके एलएससीएस में जाता है। इससे ज़्यादा जाएगा तो अपन पीपीएच की कैटेगरी में रखेंगे। पीपीएच से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो वो मात्रा वाला मैंने बता दिया और एक होता है पीपीएच का कारण क्या होता है, एटोनिक यूट्रस। ठीक है, क्या होता है एटोनिक यूट्रस, यूट्रस की टोन जो है वो खो जाती है जिसके कारण वहाँ पर जो है रिटेंट पार्ट होता है प्लेसेंटा का हो चाहे आपके जो है एंडोमेट्रियम का हो वो बाहर आता है। 500 ml से ज़्यादा या 1000 ml से ज़्यादा उसको अपन कहते हैं पीपीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीपीएच ही जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का सबसे मुख्य कारण रहता है। ठीक है, ये भी याद रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 1 लाख पर निकाली जाने वाली, 1 लाख जीवित जन्मों पर मरने वाली जो माओं की संख्या होती है उसको एमएमआर कहते हैं और एमएमआर का मुख्य कारण पीपीएच रहता है। क्या रहता है? पीपीएच। और पीपीएच का मुख्य कारण रहता है एटोनिक यूट्रस। तो आई होप की सारी कड़ियाँ जो है जोड़ के आपको समझा रहे हैं और अच्छे से समझ में भी आ रही है। इन फुल टर्म, प्लेसेंटा पार्ट ऑफ फीटल ओरिजिन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, जब भी जो है बच्चा माँ की गोद जो आपके वुम में रहता है तो वहाँ पर जो बच्चा होता है और फुल टर्म मतलब जो आपके टर्म प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो प्लेसेंटा का पार्ट जो है माँ का कितना होता है और बच्चे का कितना होता है ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि फीटल पार्ट कितना रहता है, फीटल ओरिजिन कितना रहता है, 10, 20, 30 या 80%। ठीक है, तो माँ का पार्ट कितना रहता है और फीटल का पार्ट कितना रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा 31 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए तो देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सभी का आंसर सही आ रहे हैं। कुछ लोग जो है लगातार लेजी बने हुए हैं, उनको बता दूं कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फुल टर्म प्लेसेंटा पार्ट ऑफ फीटल ओरिजिन यानी कि फुल टाइम जो है टर्म प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा का जो फीटल ओरिजिन का पार्ट होता है वो 80% होता है, 20% माँ का पार्ट होता है उसमें और 80% फीटल का पार्ट होता है। डी इज करेक्ट आंसर, याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार रहने वाला, लगातार जो है कुछ क्वेश्चन जो है लगातार हमने सब्जेक्ट वाइज करने का प्रयास किया जिसमें आपकी पीडिया भी आ गई, कम्युनिटी भी आ गई, फंडामेंटल आ गई। अभी जो चल रहा है ये आपके जो है गायनिक से रिलेटेड या ओबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज क्या है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज, हाइड्रोएमनियोज एक्चुअली क्या है, एमनियोटिक फ्लूड जो रहता है ना, एमनियोटिक सैक में बच्चे के जो चारों और एमनियोटिक सैक होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूड होता है उसको हाइड्रोएमनियोज कहते हैं। अब कुछ होता है पॉली होते हैं, कुछ ओलिगो होते हैं, दोनों को याद में आपको जो है याद में रखना है। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज कब कहेंगे, 1000 ml से ज़्यादा होने पर, मोर देन 15,000 यानी 1500 ml, 2000 ml या 1200 ml। बहुत ज़बरदस्त, तो आपको हमेशा याद रखना जब भी 2 लीटर यानी कि 2000 ml से ज़्यादा जो है आपके एमनियोटिक फ्लूड हो जाता है उसको अपन कहते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोज। सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना मात्रा कितनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो 2000 ml था या 200 ml होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज तो लेस देन 200 ml। ठीक है, 200 ml से भी कम यदि जो है आपके एमनियोटिक फ्लूड है तो उसको अपन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहेंगे और 2000 ml से ज़्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूड है तो उसको जो है पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, कोई भी मदर है उसको डिलीवरी हुई है 24 घंटे के बाद में यदि जो है पोस्टपार्टम हेमरेज अपन किस कब कहेंगे। अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पर जो है सिजेरियन नहीं लिखा है तो उसका मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है। तो 500 ml से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस मोर देन 500 ml होगा तो उसको अपन पीपीएच की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों समझ में आ गया, और यहाँ पर यदि एलएससीएस स्पेशल जो है यहाँ पर एलएससीएस डिलीवरी लिखा होता तो यहाँ पर जो है 1000 ml हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द हैज़र्ड ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ पिकोटिन, पिकोटिन जिसको अपन ऑक्सीटोसिन के नाम से भी जानते हैं, जब भी इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है तो ऑक्सीटोसिन या पिकोटिन देते हैं तो उसका सबसे ज्यादा मोस्ट खतरनाक हैज़र्ड कौन सा, मतलब खतरनाक साइड इफेक्ट क्या है। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ये तो नहीं है खतरनाक, इन्फेक्शन ये भी नहीं है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ये भी नहीं है, लेकिन रप्चर ऑफ यूट्रस ये सबसे खतरनाक है। वैसे अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है लेकिन सबसे खतरनाक हैज़र्ड की बात करें, सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट की बात करें तो आपके जो जाएगा वो जाएगा रप्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस खुद रप्चर हो सकता है, वायर आ सकता है, अपनी जगह छोड़ सकता है। ठीक है, और वहाँ से प्रोट्यूड हो सकता है थ्रू द वेजाइनल सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पिकोटिन का सबसे खतरनाक हैज़र्ड जो रहता है इंडक्शन ऑफ पिकोटिन वो आपके रहता है रप्चर ऑफ यूट्रस। सी इज करेक्ट आंसर, आई होप कि समझ में आ गया। समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार जो है इस क्लास को लाइक और शेयर कर देना, जैसे ही क्लास खत्म होती है अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना क्योंकि आपकी क्लासेज एग्जाम तक चलेगी और सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल के बारे में मत बता दिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सारी चीज़ें वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक पे मदर है कोई भी, उसको डिलीवरी होने वाली है तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टाइम कौन सा रहेगा कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ मेलेटिस। ठीक है, अब जो है डायबिटीज़ का बच्चा जो होता है वो हमेशा हैवी वेट पैदा होता है, राती के बच्चे जैसा,
तो वो भी आपको याद में रखना है, ठीक है। तो वो मैक्रोसोमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाथी के जैसा बच्चा होता है ना, उसको मैक्रोसोमिया कहते हैं, ठीक है, मैक्रोसोमिया। लेकिन जब आयरन फोलिक एसिड का जो एनीमिया होता है, कमी होती है, तो उसको माइक्रोसोमिया, छोटा सा बच्चा पैदा होता है चूहे जैसा, वो भी आपको याद में रखना है। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइमेस्ट में बिल्कुल गलत है, फर्स्ट टाइमेस्ट में जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, परिप्यूरी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन लेबर और डिलीवरी के टाइम, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, लेबर और डिलीवरी के टाइम दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलात होती है। एक तो होता है HIV एड्स, सबसे ज़्यादा कब फैलता है, तो कि लेबर के टाइम, इसलिए LSCS करवा दो फटाफट से, ठीक है। जिसके भी HIV पॉजिटिव मदर है उसको LSCS का जो है कहा जाता है, क्योंकि एड्स या HIV जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग लेबर, यानी कि इंट्रा कह सकते हैं इंट्रा लेबर जो है सबसे ज़्यादा फैलता है। और जो डायबिटीज़ मेलेटिस रहती है, इसको जो सबसे ज़्यादा कठिन कंट्रोल करना है वो है आपके लेबर एंड डिलीवरी के टाइम। कब? लेबर और डिलीवरी के टाइम जो है डायबिटीज़ मेलेटिस को सबसे ज़्यादा कठिनता से इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना। पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। आपकी शेयरिंग कैपेसिटी, लाइक करने की कैपेसिटी, सब्सक्राइब करने की कैपेसिटी जो है डिपेंड करेगी कि क्लास आगे लेनी है कि नहीं लेनी है। यदि ज़बरदस्त तरीके से आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते, प्यार दिखाते हो, कल की क्लास में बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला, 2000 व्यूज़ आ चुके हैं, मतलब 2000 जनों ने देख लिया है और उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सभी लोग जो है क्लासेज को, पुरानी जितने भी हमारे 10 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको भी देखें, आपको ज़बरदस्त फायदा रहने वाला है। ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे तो आपका ज़बरदस्त क्लासेज, हम सेशन जो है लगातार रहते रहेंगे, आप जो है सेशन में लगातार अटेंड करते रहे। और इसके अलावा PG क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा, PG मॉडल पेपर को खरीद लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, PG ओल्ड पेपर को खरीद लीजिएगा, जहाँ पर 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs पूरे पैटर्न पर आधारित, जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का रहता है उसमें पूरा सिलेबस उसमें कवर है, चाहे माइक्रो सब्जेक्ट हो चाहे मैक्रो सब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब जो आपके नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड है। और ये 548 की जगह आपको 449 रुपये मिल जाएंगे, जिसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको नंबर एक बार फिर से दे देता हूँ, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कोई भी कॉल मत करना, कॉल करते ही टीम ब्लॉक कर देगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब जगह से जो है आप ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए जो है सीधा व्हाट्सएप मैसेज ही करना। 449 रुपये में आपको जो है लाइफ चेंजिंग ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि आपकी ESIC में पार करवा रही थी, 54 क्वेश्चन आए, 931 क्वेश्चन अभी तक DSSSB में आ चुके हैं, और नॉर्थ साइड में भी 10 से 15 क्वेश्चन जो है सीधे PG क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर से अलग बात है, ठीक है, हमारे पास इतने क्वेश्चन पहुंच नहीं पाए, मेमोरी बेस के क्वेश्चन थे, लोग भूल गए, तो सारे लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आज ही स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए। मिलते हैं कल नई क्लास में, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ भी मिलेगी, RRB में पोस्ट भी बढ़ रही है वो भी आपको न्यूज़ मिलेगी, इसके अलावा राजस्थान CHO ANM GNM इनको जॉइनिंग कब मिल रही है वो भी चीज़ें मिलेगी। अब लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, अलविदा।